अगर अयोध्या में राम की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी। हम मक्का में जब बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ खुदा की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या में जब हम बात करते हैं तो वहाँ मिक्स कर देते हैं। जब अयोध्या में हम मिक्स कर देते हैं तो वहीं से राजनीति प्रकट हो जाती है। जब सभी लोग मिलकर कहें कि नहीं, जैसे मक्का में खुदा वैसे अयोध्या में राम, वैसे मथुरा में कृष्ण, वैसे काशी में शिव। तो ये बताया, हमने एक बार ऐसी बात हुई थी शिर्क के बारे में, कि बुत परस्ती और ये सब चीज के बारे में, तो उन्होंने हमसे एक सवाल कर दिया कि काबा शरीफ भी एक पत्थर से बना हुआ है, तो हम लोग सिजदा उसी की तरफ करते हैं, तो क्या ये इसके बारे में हमें उनको क्या जवाब दूं? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया, गैर मुस्लिम ने भी आपसे अच्छा सवाल किया। सही सवाल है भाई, अगर शिर्क इस्लाम में हराम है तो आप मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो काबा को सिजदा क्यों करते? सवाल अच्छा है, जिसको जवाब नहीं बोलेंगे अरे शैतानी सवाल है। तो अगर हम पूछेंगे भाई क्यों ये गलत है इस्लाम में, जवाब नहीं पता है तो लोग बोलेंगे शैतानी सवाल है। सवाल तो भाई सही सवाल है मेरे हिसाब से, और ये सारे सवालों का जवाब आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे irf.net में, आम सवाल है, कोई नया सवाल नहीं मेरे लिए, आम सवाल है। इसका जवाब ये है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता। काबा हमारे लिए किबला है, दिशा है, एक डायरेक्शन है। हम मुसलमान हम यकसानियत में मानते हैं, कांग्रेगेशन में मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें यहां नमाज पढ़ना है तो कोई शख्स कहेगा कि पूरब की तरफ देखो, कोई कहेगा पश्चिम की तरफ, कोई कहेगा साउथ, कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ हम देखे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, जा भी आप है काबा की तरफ देख के नमाज पढ़ो। काबा एक दिशा है, हमारे लिए किबला है। और जब सबसे पहले सारी दुनिया का नक्शा, जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाए, वो मुसलमानों ने, अल इदरीसी ने 1154 में, 1154 में। और जब मुसलमान ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। ये वेस्टर्नर्स अंग्रेज लोग आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा सेंटर में ही है, बीच में ही है। तो दुनिया के कोई भी हिस्से में आप है, काबा की तरफ देख के आप नमाज पढ़ो। हम जब मक्का जाते हैं उमरा के लिए या हज के लिए, तो हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, काबा के गोल तवाफ करते सर के मैम्बुलेट। क्यों करते? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, करते हैं। लेकिन लॉजिकली सोच सकते हैं कि हर दायरे का, हर सर्किल का एक ही सेंटर है, एक ही बीच का ऐसा सेंटर एक है। तो हम जब तवाफ करते हैं, गिर्द घूमते हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, इसीलिए हम तवाफ करते हैं। और जो हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु ने कहा काबा के बारे में, संग अस्वद के बारे में, वो सारी गलतफहमी दूर कर लेता है। हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी में जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 किताब अल हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675 में, हजरत उमर फरमाते हैं रदिल्लाहु अन्हु कि ये संग अस्वद, ये काला पत्थर, ना मेरे लिए कोई अच्छा काम कर सकता है ना बुरा, ना मेरे लिए बुरा है ना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे रसूल ने इसको चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं, नहीं तो ये काला पत्थर ना मेरे लिए कोई भलाई कर सकता है ना बुराई कर सकता है। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रदिल्लाहु अन्हु के काफी है इंसानियत को बताने के लिए कि हम काबा को नहीं पूछते। और एक तो नुक्ता हम गैर मुस्लिम से कह सकते हैं, और जो मैं अक्सर कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई साहबा काबा पे खड़े होके आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई भी बुत की इबादत करने वाला, जो बुत की इबादत करता है उसके ऊपर कभी खड़े नहीं रहेगा? तो साहबा काबा पे खड़े होके, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो काबा पे खड़े होके आजान देते थे, ये साफ है, क्योंकि हम काबा की इबादत नहीं करते इसीलिए साहबा काबा पे खड़े होके भी आजान देते थे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। काबा शरीफ भी लोग मतलब उसको चूमते हैं, टच करते हैं, बाद में जो हजरे अस्वद है तो हजरे अस्वद को भी लोग चूमते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने, अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहां फिक्स किया है, तो जायज है कि नहीं है? भाई साहब महेश भाई, माशाल्लाह जब से IRF कायम हुआ 1991 से, उस वक्त से माशाल्लाह IRF में आ रहे। और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज्यादा कसर देखा उन चंद सालों में, वो है महेश भाई, माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हजरे अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूं चूमते, तो क्या ये सही है?
लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत करता है। कोई भी मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को यह गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं उमरा में हज में तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते उसके तरफ पढ़ते हैं, तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा हजरे अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला मीन डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज पढ़ना है तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे। तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते हैं उमरा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ करते हैं। हम तवाफ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का एहकाम है, हमारे रसूल का एहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं, तो यह सोच सकता हूं कि हर सर्किल का एक सेंटर है, एक महावर है, एक सेंटर। क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, यह दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है। जैसे आपने फरमाया कि मुसलमान चूमते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, मैं तो मेरे बेटे को भी चूमता हूं। कल आप कहेंगे कि बेटे की इबादत करता हूं, उसका जवाब दूंगा मैं। एक हदीस है सही बुखारी की, वॉल्यूम नंबर 2, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जो सेकेंड खलीफा थे इस्लाम के, वो ये हजरे अस्वद को देख के कहते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है ना मेरे लिए कुछ बुरा काम कर सकता है, क्योंकि मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुमा, इससे मैं चुम रहा हूं। इट कैन नीदर बेनिफिट मी, इट कैन नीदर कॉज मी हार्म, ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के काफी है बताने के लिए कि हम मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हजरे अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है उस पर कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो यह कहना कि हम काबा या संगे अस्वद या हजरे अस्वद की इबादत करते हैं, कई सहाबा ने काबा पे चढ़ के आजान दी, तो यह साबित है कि हम ना काबा ना हजरे अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं, और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा इस्लाम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।